सच है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब शांति के मायनों को उल्टा समझ लिया जाए और भलाई की सलाह को मदरसे की बेंच समझने की आदत हो, फिर उसका नतीजा उल्टा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद भी ना इमरान सुधरा ना उसके मंत्री, पाकिस्तान के तो सुधरने का सवाल ही नहीं। हालत यह है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए एक बड़ी तैयारी कर ली है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसका अंदेशा होते ही उसकी रातों की नींद उड़ गई है। भारत इसी साल के अंत में पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करने जा रहा है, या यूं कहिए कि इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने का प्लान बनाया है। दिसंबर 2020 से भारत पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की शुरुआत करेगा। रावी और उज नदियों के पानी को रोकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले साल ही हरियाणा और पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान जाने वाले भारत के पानी को रोकने का ऐलान किया था। वरना पानी को लेकर कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है आप भी जानते हैं। साथियों, कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके राजस्थान के खाते का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। अब इतने वर्षों बाद भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान में बहने वाले पानी को रोकने के लिए एक बांध परियोजना पर काम शुरू करवाया है। अब आने वाले दिनों में आपके हक का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस मजबूत होते ही सबसे पहला काम इस बांध परियोजना को रुकवाने का ना कर ले, जरा जागते रहना। हालांकि तब पाकिस्तान ने कहा था कि भारत में हिम्मत है तो पहले पानी रोक कर दिखाए, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का पानी रोकने वाली तकनीकी रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। फिलहाल अब रिपोर्ट के क्लियरेंस होने का इंतजार है। रिपोर्ट पास होते ही पाकिस्तान की तरफ जाने वाली रावी और उज नदियों के पानी को रोकने का काम शुरू हो जाएगा। भारत द्वारा दिसंबर 2020 में पानी रोके जाने की खबर से ही इमरान की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इमरान को यह बात अच्छी तरह पता है कि मोदी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। दरअसल 14 फरवरी 2019 के पुलवामा के बाद तब उस वक्त के जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी साझेदारी वाले पानी को पाकिस्तान को जाने से रोकना होगा। भारत अपने हिस्से की एक बूंद भी पाकिस्तान में नहीं जाने देगा। गडकरी ने कहा था कि उस पानी का लाभ जम्मू कश्मीर और पंजाब के किसानों को पहुंचाया जाएगा। इसके बाद मोदी सरकार ने सापुरकांडी में रावी नदी पर बांध का काम तेजी से शुरू कर दिया था। मोदी सरकार की योजना यही थी कि इन नदियों के पानी को इसी बांध में संग्रहित करके पंजाब और जम्मू के खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाए, बाकी का पानी रावी व्यास लिंक से बहते हुए अन्य राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाए। अभी तक भारत अपने हिस्से का अतिरिक्त पानी भी पाकिस्तान भेज रहा था, जिससे पाकिस्तान के किसानों को भरपूर पानी मिल रहा था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के ज्यादातर हिस्से पर पाकिस्तान का नियंत्रण रहा है। सिंधु बेसिन की 6 नदियां सिंधु, चिनाब, किशनगंगा, रावी, सतलज और व्यास तिब्बत से निकलकर आती है और हिमालय की तलहटियों से होती हुई पाकिस्तान के शहर कराची के दक्षिण में अरब सागर में जाकर मिलती है। इन नदियों के पानी से पंजाब सिंध के खेतों की सिंचाई होती है, साथ ही यह पानी पीने के काम में भी लाया जाता है। सिंध की बड़ी आबादी भारत से गए जल पर ही निर्भर है। पाकिस्तान के पंजाब की लगभग 30% खेती इसी पानी के ऊपर आश्रित है।
अब अगर दिसंबर तक भारत पाकिस्तान जाने वाले इस पानी को रोक देता है तो पाकिस्तान पूरी तरह घुटनों पर आ जाएगा, उसका किसान बिना पानी के बर्बादी के कागार पर पहुंच सकता है। बड़ी बात यह है कि भारत इसी पानी के द्वारा पाकिस्तान को मजा चखा सकता है। बारिश के दिनों में भारत इस पानी को भारी मात्रा में संग्रहित करके पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है। मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी हाल में पाकिस्तान को अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।